जय दोस्तों, जय महाकाल। मैं आपका दोस्त बुलेट सिंह, स्वागत है आपका क्षेत्र मैडम के एक और अभ्यास में। दोस्तों, आज के अभ्यास में हम गदा अभ्यास करेंगे। और कभी भी याद रखिए दोस्तों, कभी भी आप क्षेत्रीय प्राणायाम कर रहे हैं, कुछ भी अभ्यास कर रहे हैं, लंगोट पहनना बहुत ज़रूरी, बॉडी के अंदर हीट आना ज़रूरी। अच्छे से वार्म अप करने के बाद ही आप कुछ भी अभ्यास की ओर बढ़िए। और हमेशा एक बात याद रखिए, क्षेत्रीय प्राणायाम करने से जो आपको लाभ पहुँच रहा, जो आपके अंदर स्ट्रेंथ और स्टैमिना आ रहा, वो सिर्फ देश की रक्षा, अपनी माँ बहन की सुरक्षा के लिए। इसका ताकत का गलत फ़ायदा नहीं उठाना। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, कई सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि गदा अभ्यास के बारे में और जानकारी दीजिए। ज़्यादातर गदा को भी मुदगर के अंदर अलग उसका एक्सरसाइज रहता, गधे के अंदर अलग एक्सरसाइज रहता उसका, मुदगर के अंदर मैक्सिमम ये घुमाते, लेकिन गदा अभ्यास टोटली हटके है मुदगर से, जिसके अंदर आपको स्टार्टिंग बेसिक एक्सरसाइज से मैं स्टार्ट करूँगा आज। एडवांस लेवल अपन लेकर जाएंगे। बेसिक इसको बोलते हैं बाहर, फर्स्ट इसको पकड़ के आपको पैर एक आगे पीछे रखना है, आगे पीछे रखते हुए ये दोस्तों क्षत्रिय प्रणाम का पालन करते हुए जब आप इसको पीछे ले आ रहे, तब आपको श्वास खींचना है। जब इन्हें नीचे से ऊपर जा रहा, तब तो आपको श्वास फेंकना है। इसी प्रकार से इसको अंदर की ओर, पहला अभ्यास। दूसरा अभ्यास में दोस्तों दो बार इसको अंदर लेना और एक बार बाहर, एक दो तीन, फिर ये हाथ से दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन। आपके हाथों में इतना खींचा हुआ है, आपके हाथों के फोरआर्म्स के मसल में और आपके कंधों पर, गदा गदा है, मुदगर मुदगर है। गदा शक्ति का प्रतीक है, इससे ताकत बहुत मिलने वाली है आपको। तो ये देखिए अभ्यास, एक दो तीन, एक दो तीन, ये देखिए दोस्तों लगातार। इसको मुदगर से आप नहीं कर सकते। जो मेरे भाई बंधु हमसे गदा ले रहे, इस वीडियो को ज़रूर देखें। दोस्तों, गदा अभ्यास के अगले अभ्यास में आपको दोनों हाथों से इसको पकड़ना है, थोड़ा हाथों का मूवमेंट चेंज करते रहना है, जिसके अंदर आपको ये घुमाना है, घुमाते हुए आपको हाथ आपका चेंज करना है ऐसे। ये देखिए, थोड़ा हाथ चेंज करना रहता है इसमें। जब आप इसको साइड में ले रहे, तब आपका हाथ का पोजीशन ऐसा हो जाता, जब भी इसको ऐसा ये साइड में ले रहे, तब आपका हाथ का पोजीशन ऐसा हो जाता। ये थोड़ा हाथ को ट्विस्ट करते हुए, कल्ला फोड़ बोलते हैं इसको, आपकी स्पाइन, आपके लैट्स में बहुत अच्छा खासा खिंचाव। घुमाते भी सकते हैं इसको, पैर आगे पीछे डालते हुए। तो दोस्तों, ये तीन अभ्यास गदा अभ्यास के थे। बेसिक आपको बताया, जो भी हमसे गदा खरीद रहे, स्टार्टिंग में, शुरुआत में आप गधे को सिर्फ ऐसा ही नहीं, जो मैं आप, तो दोस्तों ये थे कुछ गदा अभ्यास, जिसके अंदर मैं आपको तीन बताया, तीन प्रकार के अभ्यास बताया। श्वासों पे ध्यान देते हुए ही आपको ये करना है। अगर नॉर्मली आप इसको लेके कर रहे हो, तो आपको लाभ नहीं देगा,
आपको रोगों से मुक्ति नहीं मिलेंगी। हमेशा श्वासों पर ध्यान देते हुए ही क्षत्रिय प्राणायाम का अभ्यास करना और कभी भी याद रखिए, देश और माँ बहन की सुरक्षा पहले, इसको शोपटअप करना नहीं है अपने को। शोपटअप आप बॉडी बिल्डिंग वालों को कर दे छोड़ दीजिए, यानी बॉडी बिल्डर्स को छोड़ दीजिए। अपन लड़ने वाली हथियार बनना शोपटअप की चीज़ नहीं। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी दोस्तों तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।